जहां पर काम सिर्फ कलम से होना था वहां काम बंदूक से लिया जा रहा था और बंदूक के जोर से कलम डगमगा रही थी। यानी भरतपुर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा के दौरान कॉलेज कैंपस में ही पुलिस वाले फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस प्रैक्टिस से परीक्षार्थी परेशान थे, जो कि लाजमी है। अब सवाल यह है कि कॉलेज कैंपस में परीक्षा के वक्त फायरिंग की प्रैक्टिस आखिर क्यों की गई? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंदूक का ट्रिगर दबा तो आवाज भविष्य के कानों को हिला गई। भविष्य मतलब छात्र, और जब गोलियों की आवाज छात्रों के कानों तक पहुंची तो वो बौखला उठी। बौखलाहट वाजिब भी थी, क्योंकि चुनौती वार्षिक परीक्षा की थी। छात्र पूरे मनोयोग से कलम का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी वक्त उसी कैंपस में खाकी धारी मनोयोग को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रहे थे। जी हाँ, छात्रों की वार्षिक परीक्षा के दौरान ही पुलिस वालों ने फायरिंग प्रैक्टिस की मुहूर्त निकाली। परीक्षाओं से पहले सुबह 8 बजे जब आते थे यहाँ पर, 8 बजे हमारी ड्यूटी थी, तो एक दिन क्या हुआ कि इतनी तेज आंसू जो है, जैसे हमने स्कूटर रोका तो बहुत तेज गति से आंसू आने लगे थे। हमारे कुछ साथियों से पूछा था तो उन्होंने भी कहा था यार सर जबरदस्त आंसू आए, इसका मतलब पता ही चला था। हमने प्रिंसिपल साहब को भी कहा था, प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि भाई हमने इसके साथ से बात की है तो शायद संभवतः नहीं होगा। उसके बाद भी यदि फायरिंग हो रही है तो वो गलत है, महाविद्यालय में फायरिंग करने का कोई औचित्य नहीं होता है। सुना आपने, कॉलेज प्रशासन ने जिले के एसपी से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया और कॉलेज कैंपस में बनी दीवार पर फायरिंग प्रैक्टिस चलती रही। ये फायरिंग न सिर्फ दीवार छलनी कर रही थी, बल्कि छात्रों के करियर को भी तार तार कर रही थी। पिछले 3-4 दिन से कॉलेज कैंपस में पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग, आंसू गैस, शोले और बड़ी हथियारों से प्रैक्टिस की जा रही है, जिससे आसपास की कॉलोनी की नहीं बल्कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जो यहाँ पे परीक्षाएं हो रही है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आसपास ही कॉलेज में लोग दहशत में है कि सुबह सुबह इतनी तेज आवाज आती है और सुबह सुबह से ही लोगों के आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। इतनी ज्यादा आवाज आती है, बच्चे यहाँ तक की जो बच्चे आसपास जो किराए पर बच्चे रह रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। छात्र परेशान थे, गोलियों की तड़तड़ाहट परीक्षा की ओर से ध्यान हटा रही थी, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि जहां काम कलम का था वहां शिकायत के बाद भी बंदूक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। सवाल ये है कि देश के भविष्य कहलाने वाले छात्रों की परीक्षा जरूरी है या उनके भविष्य पर हो रही फायरिंग? भरतपुर से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मुद्दा कितना गंभीर है, क्योंकि एक तरफ परीक्षाएं चलनी थी और दूसरी तरफ बुलेट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हर किसी के जहन में उस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा। आपको इस बीच ये भी बता दें कि परीक्षा जो यहां पर होनी थी वो आधा घंटा लेट देरी से शुरू हुई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी नेता डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गिरिराज गर्ग जी, शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा जी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सीबी शर्मा जी। शर्मा साहब, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए कि क्या फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई नियम कायदे कानून बने भी या नहीं बने? जहां मन करा जब मन करा फायरिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी गई, क्या इसको लेकर कोई नियम है? नहीं, इसको लेकर बिल्कुल नियम है जी। और जैसा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, फायरिंग रेंज बनी हुई है वहां पे जहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, जो भी मुझे दिखाई दे रहा उसमें, तो साल में एक बार जवानों की फायरिंग प्रैक्टिस होती है जी। ये नियमानुसार ही है और जहाँ फायरिंग रेंज है वहाँ पे वो है। अब ये बगल में कॉलोनी जो बनी हुई है, देखिए ये पूरे राजस्थान के अंदर या और जगह भी ये हो सकती है। जयपुर में भी जो फायरिंग रेंज थी उसके चारों तरफ कॉलोनी बस गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, शुरू में फायरिंग रेंज है वो निर्जन वन में वहाँ लगाई जाती है, धीरे धीरे उसके चारों तरफ कॉलोनी बस जाती है। लेकिन पहले कॉलोनी बस जाती है, उसके बाद रेंज हम आपको दिखा रहे हैं उसके अंदर बाकायदा कॉलोनी नहीं, इसके अलावा एक स्कूल कॉलेज भी वहाँ से संचालित होता है। और जब फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी उस वक्त परीक्षा वहां पर चल रही थी, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या बातचीत कर ये तय नहीं किया जा सकता था कि परीक्षा खत्म हो जाए, बच्चे यहां से चले जाए, उसके बाद वहां पर फायरिंग की जाए? और जो ये हम आपको बता रहे हैं ये दरअसल वहां पर फायरिंग रेंज नहीं है, ये कॉलेज का ही कैंपस का मैदान है जिसके ऊपर फायरिंग की जा रही है। नहीं, जिसके सामने जो दिखाई दे रही है दीवार वो फायरिंग के लिए बनाई हुई है जी, उसके वो नहीं है कि इस तरीके से कोई अचानक कहीं भी जाके फायर नहीं कर सकते। तो ये देखो सामने जो दिखाई दे रही है,
ये अलग है कि जब कॉलोनी बच जाती है तो फायरिंग रेंज को दूर ले जाया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। दूसरा, ये आप सही कह रहे हैं कि सुबह वहां पे कॉलेज बगल में ही कॉलेज है, कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी तो उस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, दो दिन आगे पीछे जिस दिन परीक्षा नहीं हो वहां कर किया जी, ये बिल्कुल संभव है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए शर्मा साहब, आपको लगता नहीं कि अगर पांच दिन यहां पर प्रैक्टिस नहीं होती या पांच दिन देरी से प्रैक्टिस हो जाती तो कोई लगता नहीं कि पहाड़ टूट जाता? और एसपी तक जब यहाँ पर गुहार लगा दी गई उसके बाद भी इसमें कोई बदलाव किया नहीं गया, ये तो सीधा सीधा सिस्टम का और अधिकारियों का आइडियल रवैया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको ध्यान नहीं दिया, कैजुअली ले लिया इस बात को जी, वरना इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। विपिन प्रकाश जी, आपके पास मैं आऊंगा, जरा समझाइए कि एक तरफ परीक्षा शुरू होनी होती है, सैकड़ों बच्चे वहां पर कलम लेकर बैठे होते हैं और अचानक आवाज आती है गोलियों की, बोछारों की, उस वक्त की मनोवृत्ति क्या रही होगी? क्या बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उस परीक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से, जब एग्जाम होते हैं तो पूरे साल भर की तैयारी का लेखा जोखा उस दिन उतारना होता है जी, और ऐसे में व्यवधान हो तो बच्चे और शिक्षक जो एग्जाम ले रहे हैं उनमें भी डर भय हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से उनके जो स्किल है जो करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाता जी। ये तो आपसी कोऑर्डिनेशन प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की आपसी चूक रही है कि आधे घंटे तक फायरिंग होती रही, कहीं आग लग जाती है तो पांच मिनट में दमकल पहुंच जाती है जी। तो फोनेटिक सुविधा, एसपी को सुविधा, उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया, तो ये निश्चित रूप से गंभीरता की ओर ध्यान इशारा कर रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने निश्चित रूप से शिकायत की होगी और उस पर ध्यान नहीं दिया गया जी। तो इस पे तो सरकार को जांच करानी चाहिए कि आधे घंटे तक फायरिंग होना हो सकता है, वो तो चलो पुलिस की फायरिंग थी, प्रशासन ने कहा कि गोलीबारी हो रही है और पुलिस को दिया, हो सकता है आतंकवादी भी होते तो इतना कितने कैजुअल्टी हो जाती, इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब पुलिस कॉलेज प्रशासन कह रहा है इतने बच्चे वहां पर है जी और फायरिंग हो रही है उन्हें नहीं पता, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। आलोक जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, वातावरण भी देखी होगी आपने, यहाँ पर सीवी शर्मा साहब को भी सुना होगा, सीधा सा सवाल, क्या वाकई में आज पुलिस को इतनी ज्यादा मुस्तैद करने की जरूरत बीजेपी को महसूस हो रही है कि उसकी वजह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने अभी दिखाया ये घटना कब की है? ये एक तारीख की घटना है या आज की घटना है? ये आज की घटना है, ये आज की घटना है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि जैसा आपने कहा कि कॉलेज कैंपस आप वहां देखेंगे तो पुलिस का जो ये फायरिंग रेंज है ये और कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग आपस में जुड़ी हुई है जी। ये ऐसा नहीं है कि कॉलेज कैंपस में जाकर फायरिंग करी थी पुलिस की, वो पुलिस का ही पुराना स्थल है, जैसा सीबी शर्मा जी ने बताया कि पहले निर्जन स्थान पे पुलिस की फायरिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वो है वही प्लेस, बाद में वहां कॉलेज स्थापित हुआ। अब रही आपने बात तो पुलिस से, मेरी खुद पुलिस में जानते ये जो हुई है ये अगुवाई में प्रशिक्षु आईपीएस अनिल बेनीवाल जी वहां मौजूद थे, उनकी अगुवाई में, और वहां पर जो फायरिंग रेंज के सीआईए राजन चौहान वो वहां उपस्थित थे, वहां पर रेंज आईजी आलोक वशिष्ठ भी मौजूद थे, वशिष्ठ जी भी वहां मौजूद थे, और ये 15 मिनट के लिए हुई थी। अब मेरी अभी कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश मुदगल से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुरंत बंद भी कर दी थी, आधे घंटे नहीं हुई है। ये एमएसजे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उमेश मुदगल वो दो दिन से जयपुर में मौजूद थे किसी प्रशासनिक कार्य से, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि सर पुलिस ने 15 मिनट ही करके बंद कर दी थी और वो हुई थी, तो उससे कोई ऐसा नहीं रही। आपकी बात ये जायज है कि ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये ठीक है ये सोचने का प्रश्न है और इस पे पुलिस प्रशासन, इस पे वरिष्ठ पुलिस ने खुद आश्वस्त किया है, मुझे राहुल प्रकाश जी ने एसपी ने भी आश्वस्त किया है कि भाई इसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि समाज के हित के लिए ही पुलिस काम करती है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा कि जिससे समाज के लिए कोई बाधा खड़ी हो। चलिए आलोक जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गिरिराज जी आपके पास मैं आऊंगा। आलोक जी, यहां पर कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर फायरिंग को बंद कर दिया गया, प्रिंसिपल से उनकी बात हुई है, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या जुबान को यहां पर बंद कर दिया गया, क्योंकि पांच दिन तक, तीन दिन तक का तो जिक्र यहां पर बच्चे करते नजर आ रहे हैं कि तीन दिन से लगातार यही चल रहा है। आज आलोक जी कहते हैं कि फायरिंग को तुरंत बंद कर दिया गया, क्या यह कहा जाए कि जुबान बंद कर दी गई? देखिए निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं और आलोक जी ने जो कहा जी, उसमें बहुत अंतर है। जब लगातार वहां फायरिंग हो रही है और फायरिंग रेंज जैसे सीबी शर्मा साहब ने कहा कि पहले से बनी हुई थी, तो पहले से तो क्या बना हुआ था क्या बना हुआ नहीं था? आज जब बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है,
बच्चे जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा स्थल के ऊपर कॉलेज परिसर में बैठे हुए हैं उस समय प्रशासन फायरिंग करवा रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक सेंसिटिव और डर का माहौल बच्चों के मन में बैठ गया। आप कह रहे हैं 30 मिनट तक फायरिंग होती रही और किसी प्रकार की प्रिंसिपल की सुनवाई नहीं हुई। जब तीन रोज से ये अभ्यास चल रहा था इस अभ्यास को रोका भी जा सकता था। कॉलेज जब बन चुका है रिहायशी इलाका जब हो चुका है तो पुलिस को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ फायरिंग करने से निश्चित रूप से कहीं कैजुअलिटी हो सकती है और बच्चे जितने बड़े दहशत में 30 मिनट तक बच्चों का समय खराब हुआ 30 मिनट उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है। इसको आलोक जी ने स्वीकार नहीं करने के बच्चों के साथ कितना बड़ा अनजस्टिस किया है पुलिस ने और निश्चित रूप से एसपी की जिम्मेवारी थी। एसपी जो भरतपुर लगा हुआ है उसको इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जब बच्चों की परीक्षाएं चल रही है पास में कॉलेज है रिहायशी इलाका है तो अभ्यास पांच रोज बाद करना या उसको दूर कहीं ले जाके करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था लेकिन ये निश्चित रूप से लापरवाही की श्रेणी में है। घोर लापरवाही है सरकार की जो इस तरह का कृत्य सरकार ने और प्रशासन ने किया है जी। लेकिन यहाँ पर गिरिराज जी सवाल मेरा यह है कि आलोक जी ने कहा कि एसपी से बातचीत हुई लेकिन वहां पर तो बाकायदा रेंज आईजी मौजूद था। अब आईजी अगर कुछ कराएगा तो एसपी भला क्या करेगा। नहीं निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा मौजूद हो उनकी जिम्मेवारी थी इस बात की। खड़े रहने से क्या होता है, खड़े रहने से वो फायरिंग तो हो ही रही है ना और बच्चे तो दहशत में है पूरा पूरा। सवाल मेरा दरअसल ये है कि अगर आईजी वहां पर मौजूद है तो मामला और ज्यादा गंभीर है क्योंकि वो जानता है कि बगल में परीक्षा चल रही है और वो उसको रोकता नहीं बैठा होकर फायरिंग कराता है। विजेंद्र जी मैं यही कह रहा हूँ कि इससे बड़ी गैर जिम्मेदारना पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही नहीं हो सकती है। क्या खुद की मौजूदगी के अंदर अगर वो वहाँ मौजूद नहीं होते तो वो कह सकते थे कि हमारी जानकारी नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने बड़े पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं और उसके बाद में फायरिंग का अभ्यास हो रहा है यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का जी। आलोक जी तीन दिन से लगातार वहां पर यह चल रहा था, आज आप कहते हैं कि एसपी राहुल प्रकाश से बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या हर मामले के अंदर जब तक जयपुर से फोन जाएगा नहीं तब तक सिस्टम और अधिकारी सुनेंगे नहीं? आम आदमी का कोई वजूद नहीं, बच्चों का वहां पर कोई वजूद नहीं, प्रोफेसर वहां पर तीन दिन से कंप्लेंट करते हैं उसका कोई वजूद नहीं, आम आदमी वहां पर परेशान होते हैं उसका कोई वजूद नहीं। जयपुर से फोन जाएगा तभी कार्रवाई होगी। क्या सिस्टम और सरकार तीन दिन से वहां पर नहीं हो रही है? वहां पर एक तारीख को जरूर हुई थी और उसके बाद आज हुई है। लगातार अगर तीन दिन से कह रहे हैं तो आप पता कीजिए तीन दिन से वहां पर नहीं हुई है। और रही बात तो ये अचानक उन्होंने आलोक जी समाचार प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है हम आपको पहुंचा रहे हैं। वहां पर बच्चे साफ साफ बोलते हैं कि तीन दिन तक, आई रिपीट, तीन दिन से लगातार वहां पर फायरिंग होती है, शिकायत की जाती है, शिकायत सुनता नहीं और शिकायत भी बाकायदा उन्हीं एसपी राहुल प्रकाश जी से की गई जो आज आपको कहते हैं कि आगे से ऐसा होगा नहीं। सर देखिए पुलिस जो है ये कोई मजाक नहीं है, उन्होंने अगर प्रैक्टिस करी तो उन्होंने अपने स्थल पे प्रैक्टिस की थी और अगर उन्होंने अपने जवानों को प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया तो उनका ये कोई ये नहीं था कि मैं इसको परीक्षा में बाधा दिलवाने के लिए करना। अगर हम इसको इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो कांग्रेस ने क्या ये नीति बना ली कि हर चीज में कोई प्रशासन कार्य कर रहा है तो हम उसे दोषी ठहराया जाए? ठीक है जो कोई होता है सबके सामने उसको रखने का एक तरीका भी होता है, आलोक जी आलोक जी करने का तरीका। देखिए बचाव आपको करना भी चाहिए क्योंकि आप बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एक बच्चा शिकायत यहां पर कर रहा है कि उसको परेशानी हो रही है, जब एक प्रोफेसर यहां पर शिकायत कर रहा है कि उसको परेशानी हो रही है, अगर फायरिंग की वजह से आधा घंटा एग्जाम डिले होता है तो क्या आपको लगता नहीं कि उसको रोक देना चाहिए था? यह ऐसा नहीं होना चाहिए था? रोक तो दिया ही ना उन्होंने, जैसे ही उन्हें पता लगा कि आज से वहां परीक्षा है तो उन्होंने रोक दिया परीक्षा की। सवाल तो मेरा यही है कि जब तक जयपुर से फोन जाएगा नहीं तब तक कार्रवाई होगी? आज जयपुर से नहीं साहब, जयपुर के फोन से नहीं, उनको कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश मुद्गल जी ने उन्हें कहा बताया तो उन्होंने उसके उनके बिहाफ पे उन्होंने कार्रवाई की है। वहां लोकल लेवल पे ही कार्रवाई हुई है, उसमें जयपुर का कोई रोल नहीं है। चलिए आलोक जी, आलोक जी बने उन्होंने कहा उसी से वो कार्रवाई। आलोक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार जरा फिर सुनिएगा कि जो बच्चे वहां पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो क्या कुछ महसूस कर रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग, आंसू गैस, सोले और बड़ी हथियारों से प्रैक्टिस की जा रही है जिससे आसपास की कॉलोनी की नहीं बल्कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जो यहाँ पे परीक्षाएं हो रही है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आसपास की कॉलोनी में लोग दहशत में है कि सुबह सुबह इतनी तेज आवाज आती है और सुबह सुबह से ही लोगों के आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, इतनी ज्यादा आवाज आती है बच्चे, यहाँ तक की जो बच्चे आसपास जो किराए पर बच्चे रह रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सुना आलोक जी आपने, बच्चा कहता है कि यहाँ पर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, परेशानी बहुत ज्यादा होती है। आपके पास मैं आऊंगा शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या आंसू गोलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है? आबादी नजदीक है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं,
जानकारी इन सब चीजों की होती होगी। अगर एक एसपी को इस मामले की जानकारी नहीं कि जिन हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है आसपास के इलाके में उसका असर क्या होगा, तो फिर मुझे लगता है कि वो अपने पद के साथ नाइंसाफी यहां पर कर रहा है। लेकिन जानबूझकर ये सब कुछ करना आपको कहां तक सही लगता है? देखिए, ये जो एनुअल फायरिंग की प्रैक्टिस होती है हर जवान को करनी पड़ती है, हर अधिकारी को करनी पड़ती है जी। देखो, दो चीजें मैं इसको इस तरीके से है कि यदि सीनियर अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे तो ये बताता है कि वो फायरिंग के प्रति और अपने जवानों की प्रैक्टिस कराने के प्रति और ट्रेनिंग के प्रति वो सजग हैं और उनकी निगरानी के अंदर हुआ है, तो इसके अंदर कोई कैजुअलिटी वाला है कोई वो नहीं है। जहां तक गैस का है, ये आंसू गैस नहीं है, ये जो फायरिंग के टाइम में थोड़े बहुत वहां से वो गैस का वो होता है। ये तो देखिए, कोई भी आदमी जो कहता है कि साहब वहां पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं पा रहे, बात सही है, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी पुलिस को, पुलिस को अपनी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। पुलिस लाइन के अंदर जो फायरिंग रेंज बना हुआ है उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इनको बाहर कोई जगह दे दी जाए। शर्मा जी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर दोपहर 12 बजे के बाद या एग्जाम खत्म होने के बाद प्रैक्टिस होगी तो निशाना चूक जाएगा? अब ये तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिस का कायदा है, प्रैक्टिस मॉर्निंग में होती है सब जगह। ये मैं जहां जहां जिलों में रहा वहां पे जो फायरिंग रेंज थी उसको बाहर ले जाने के लिए जिलाधीश महोदय से, जिला कलेक्टर से बात करके, दूर जैसे आरएसी की फायरिंग रेंज पहले अपनी यही थी जयपुर के अंदर, ये जहां जनता कॉलोनी उसके आगे की साइड में थी, इसको बाहर ले गए। सारी की सारी जो है बीकानेर के अंदर, जहां जहां जिस जिले के अंदर, सब जगह ये है। जो एक तरफ बच्चा एग्जाम दे रहा होगा और दूसरी तरफ फायरिंग की आवाज आती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको एक सप्ताह डिले कर दिया जाए। मैं बताऊं आपको जहां पुलिस लाइंस के बगल के अंदर जो है एक, आप इसको अदरवाइज नहीं लें, ठठेरे की बिल्ली ठक ठक से डरेगी तो वो तो फिर भूखी रह जाएगी। ये देखिए, प्रशासन का जो है, क्योंकि पुलिस का अपना काम भी करेगा, पुलिस अपनी ट्रेनिंग भी करेगी, पुलिस लाइन के अंदर फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग नहीं करेगी, ये बात आप बिल्कुल सही शर्मा जी, हमने एक बार भी कहा नहीं कि प्रैक्टिस कीजिए नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा एग्जाम देने वहां पहुंचा है तो आप उसको एक सप्ताह डिले कर सकते थे, आप उसको चेंज कर सकते थे जब बकायदा उनको जानकारी दे दी गई थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये कहीं कहीं आपस के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन में कमी रही है। मैं दूसरे प्रश्न पे आपके उसमें वो कह रहा हूँ, आपने ये कहा ना कि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, निश्चित ही उन लोगों को इस चीज का पता नहीं लगा होगा कि कॉलेज में आज एग्जाम चल रहा है। देखिए शर्मा जी, यानी कि या तो आप रिपोर्ट नहीं सुन पाए या फिर मैं जो बार बार कह रहा हूँ उसको सुन नहीं पा रहे हैं कि बाकायदा 3 दिन पहले इतला कर दिया गया था कि एग्जाम है। जब पहले दिन फायरिंग हुई उसी वक्त इतला कर दिया गया था कि आगे का स्केड्यूल क्या कुछ रहने वाला है। जी, वो मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि जो कोई भी कॉलेज के जो करिकुलम है या एग्जामिनेशन को उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। एक प्रोफेसर शिकायत करता है कि बच्चे यहां पर परीक्षा देने आने वाले हैं, आप फायरिंग मत कीजिए, प्रैक्टिस मत कीजिए, एक सप्ताह बाद या जब आपको सही लगे तब कर दीजिए, लेकिन अभी मत कीजिए। पुलिस सुनती नहीं है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये जो वाक्या है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से कहा और उन्होंने बात नहीं मानी। ये आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसको सुधारना चाहिए। और ये कहूं कि वर्दी का खौफ कि हम वर्दी वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं, जो सरकार में जो चल रहा है आजकल, जो सरकार में चल रहा है लग नहीं रहा कि सरकार भी चल रही है जी। सब नौकर साहब और सब अधिकारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मैं बीजेपी के नेता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर बात को पीछे की गवर्नमेंट को, कांग्रेस को कोसा जाए और कांग्रेस आती है तो बीजेपी को कोसा जाए। क्यों ना हम सुधार की ओर चले कि ये कहे कि हमने, हो सकता है गलती हुई, हम जांच कराएंगे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कहने पे कहां बड़प्पन आता है कि कांग्रेस को दोषी साहब, आपने ये दोषी थे कि कांग्रेस ने किया। मैं जब भी जितनी भी बहस में जाता हूं मुझे यही सुनना है कि साहब 45 साल आपने राज किया, 15 साल जो आपने नहीं सुधारा तो हम वो क्या। अरे आप जब जनता ने आपको चुना तो आप पहल करिए आगे से। आप ये क्यों नहीं कह सकते हम जांच कराएंगे दोषियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या आप पुलिस को, इसमें जांच का मुद्दा क्या है? आप ये बताइए, जब ये स्पष्ट है कि वो अपने रेंज में फायरिंग कर रहे थे सबको पता, और जब ये पता है कि पुलिस प्रैक्टिस ही कर रही है, विद्यार्थियों को 3 दिन से पता है, तो जब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो क्या मैं उस गोली से डिस्टर्ब हूं? मुझे पता है कि गोली कॉलेज में
विद्यार्थी कह रहे हैं कि तीन दिन से पता है, तो उनकी पूर्व सूचना में तो था ही ना कि पुलिस अपनी प्रैक्टिस कर रही है। अब किसी अगर कॉलेज के बगल में से रेलवे लाइन गुजर रही है और वहां से ट्रेन रोज गुजरती है तो क्या उसकी आवाज आती है तो उस टाइम पे बंद कर दिया जाएगा? तो बहुत अनुचित सी बात हम कर रहे हैं। अगर मुझे दे रहे हैं तो मेरा कंसंट्रेशन एग्जाम के प्रति होगा, मुझे पता है कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, ये पूर्व निर्धारित काम है सबको। अगर उनको तीन दिन से नोटिस में है तो आप इसको मानवता के मुद्दे पर देखिए, इसमें जांच की और आधारित की जाएगी। आपने ये क्यों कहा कि आपने एसएमएस से बात की? अगर आपके हिसाब से ये सही है तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपने एसपी से बात की और आगे से ऐसा नहीं होगा? फिर पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। फिर आप क्यों ये कहते हैं कि पुलिस को इतला कर दिया गया आगे से ऐसा नहीं होगा? कह रहा मैं, कह रहा हूँ कि समाज हित में ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने ये तो कहा ना कि ये मुद्दा समाज हित, ये मुद्दा समाज हित के साथ ही उठाया गया आलोक जी। और सवाल इसलिए गंभीर होता है क्योंकि तीन दिन पहले जब यहाँ पर एसपी को इतला कर दिया जाता है कि बच्चों के एग्जाम होने हैं तो इसमें समस्या कहां पर थी? जो एक्शन आज लिया गया वो तीन दिन पहले अगर लिया जाता तो हम और आप यहाँ पर बैठ के इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते। एक्शन तभी लिया गया है आपके पास, ये तीन दिन से नहीं है, आगे से उन्होंने ये आश्वस्त किया है कॉलेज प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रशासन सभी वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, किसी का इसमें कोई निजी मन मुटाव आपस में नहीं है। अभी आलोक जी आपके पास जानकारी पूरी नहीं है या फिर समस्या यह है कि जो बच्चे वहां पर बोल रहे हैं आप ये कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आपको सुना है जिन बच्चों को बच्चे यहाँ पर क्या देखा जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आलोक जी यहाँ पर कहते हैं कि पुलिस अपना धर्म निभा रही है, अगर बच्चों को परेशानी हो रही है तो उनकी समस्या है। गिरिराज जी देखिए, निश्चित रूप से जो विपिन जी ने कहा, आलोक जी जो उस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम, मतलब प्रदेश के बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार को कतई चिंता नहीं है। जो इस राजस्थान के भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं, एक साल तक कठिन परिश्रम करके आज वो परीक्षा देने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें पुलिस ने गलती क्या की है? मतलब ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर पुलिस के पास खाकी वर्दी का जो खोप है वो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की सरकार की बात नहीं। आप मेरे पक्ष में गलत ले रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनिए, आप सुनिए, मतलब पुलिस जो कर रही है वो वाजिब है। पुलिस के जैसा सीबी शर्मा साहब ने कहा कि ये प्रैक्टिस दो रोज बाद भी हो सकती है, चार रोज बाद भी हो सकती है, इस बात में तो सहमत है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं बच्चा जो भविष्य बनाने के लिए 30 मिनट का समय जो बच्चा का बेकार गया है, क्या उसको 30 मिनट का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राजस्थान सरकार कर पाएगी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट कर पाएगा जो 30 मिनट उसके यहाँ खराब हुई है? आप क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, बच्चा काम करे? 30 मिनट बच्चे के लिए 3-3 मिनट भारी होती है जब परीक्षा के अंदर वो बैठता है, और आप 30 मिनट को बड़ी आसानी से ले रहे हैं कि क्या फर्क पड़ गया 30 मिनट बाद कोऑर्डिनेशन बन गया और उन पुलिस वालों ने जो फायरिंग बंद कर दी। आलोक जी जवाब दीजिए। गिरिराज जी आपने आप इस चीज को देख रहे हैं, हर बात पे आप तो ये चाहते हैं कि हर चीज के अंदर सरकार को कोसा जाए कोई ना कोई, मतलब हमारा पहला मकसद ये बन जाता है कि सरकार को कोसा जाए। या बताया कि भाई मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे अपनी परीक्षा दे रहे हैं उनको ये पता है कि ये चल रहे तो वो अपनी प्रैक्टिस, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस आज एक बार बताओ उस आवाज आने से क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई ठीक है अगर गोली की आवाज से मन में आलोक जी बताइए फायरिंग हो क्या काम कर रहा है? आपने कहा मेरे घर पे फायर हो, लेकिन अगर मेरे घर के बाहर मुझे ये पता है कि ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में चल रही है, मेरे घर पे नहीं चलाई जा रही है, वहाँ पे डर। अगर बार बार आप शिकायत करें, अगर बार बार आप शिकायत करें कि इसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आप इसका वक्त बदलिए तो भी आप उसको सही ठहराएंगे? नहीं, आपकी बात जायज है कि शिकायत करी तो शिकायत के ऊपर पुलिस ने प्रसंज्ञान लिया भी है, पुलिस ने कह दिया, उन्होंने माना भी कि ठीक है अगर ये हुआ तो आगे से नहीं होगा, ये बात तो आपस में उनके कोऑर्डिनेशन से बैठी है, ये बात खुद कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उमेश मुद्गल है, आप चाहे तो उन्हें लाइन पे ले सकते हैं, उमेश मुद्गल जी को मैं आपको नंबर दे सकता हूं, आपको सत्यता का पता लग जाएगा उनसे जी। तो क्या मान लिया जाए कि अब आगे से कम परीक्षा अगर वहां पर होगी तो उस वक्त गोलियों की आवाज सुनाई नहीं देगी? बिल्कुल, आगे से जब वहां परीक्षा होगी तो ये वहां पे पूरा तय हो चुका है, प्रशासन ने आपसी कोऑर्डिनेशन से कि वहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे विद्यार्थियों को मन में मस्तिष्क में कोई भी समस्या उत्पन्न हो। और अगर यहां पर एसपी की तरफ से कोई लापरवाही की गई हो, क्योंकि शिकायत वहां पर की गई थी, तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो पहली बात तो लापरवाही होगी नहीं, जब उन्होंने आपस में आश्वस्त किया है तो ऐसा आप निश्चित मानिए कि वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सब कार्य अपना कर रहे हैं, उन्होंने आपसी में से तय किया है कि राज कर रहे हैं और सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल उचित कार्य करेंगे। चलिए आलोक जी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गिरिराज जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
सीबी शर्मा जी आपका भी और विपिन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समस्या इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि एक तरफ बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठता है और दूसरी तरफ उसके कानों में फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और शिकायत करने के बाद भी कोई सुनता नहीं। लेकिन आलोक जी स्टूडियो में बैठकर कहते हैं कि एसपी से बात की गई, आगे से ऐसा होगा नहीं। वही एसपी जिसको 3 बार शिकायत की जाती है लेकिन वो सुनता नहीं। क्या वाकई में सिस्टम और प्रदेश पूरा का पूरा जयपुर से चलता नजर आएगा और जयपुर के अलावा कहीं पर कोई समस्या होगी तो कोई सुनेगा नहीं? बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।